हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज तकरीबन तीसरा दिन है, मेरी सिस्टर यहाँ पर विजिट कर चुकी है और हिंदी यूनिवर्सिटी आई एम जस्ट सेइंग माय लास्ट डेज। तो मैंने सोचा थोड़ी सी यूनिवर्सिटी को भी मैं दिखा दूँ, क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को नहीं दिखाया बिफोर दिस। और मेरे बैकग्राउंड में दिस इज़ द लाइब्रेरी और मोस्ट फेमस स्पॉट ओवर हियर। एंड यहाँ पे मेरे पीछे आप देखें, ये स्टैचूज हैं एंड कुछ हिस्टोरिकल इनके स्टैचूज वगैरह बनाए हैं, और मेरे इस साइड पे भी। बाकी मौसम भी प्यारा है, सब कुछ प्यारा, और हम कुछ तस्वीरें निकालेंगे, डिपार्टमेंट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो आज की विजिट हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में करते हैं। और ये हमारे दोस्त साहिबान ग्रेजुएट होने जा रही है अभी इस यूनिवर्सिटी के बाद, मेरी सिस्टर एंड ही इज़ माई अनदर फ्रेंड। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं फ्रॉम दैट साइड। ये है CS डिपार्टमेंट, जो कि चाइनीज़ डॉट प्रोग्राम है। एंड अगर आपके पास चाइनीज़ HSK 4 है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस डिपार्टमेंट इन दिस यूनिवर्सिटी। सो व्यू भी आप चेक कर लें। एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स स्पॉट जहाँ पे पहले जो ग्रेजुएट्स हो रहे थे उनके लिए एक स्पेशल स्पॉट बनाया था, और वो जो साइड है वहाँ पे इंग्लिश लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट है। और ये देखो, उड़ने की हमारे लिए अदनान साहब भी इसको पैराशूट बनाकर उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वेट वेस इनका इतना ज़्यादा नहीं उड़ सकते इस पर। सो दिस इज़ द फेमस स्पॉट इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर द ग्रेजुएट्स लाइक एज अस। गेट आउट ऑफ दिस टनल। वाओ, अच्छा मैं यहाँ से पूछूंगा, मेरी जो सिस्टर है तियानजिन साहिब, ये यूनिवर्सिटी कैसी लगी आपको? और अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप बच्चों को रिकमेंड करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में आ जाएं? इन्वायरमेंट कैसा लगा सारा? परफेक्ट। सो एंड दिस इज द स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, यू कैन जस्ट अप्लाई ओवर हियर। और इट्स ईजी टू गेट स्कॉलरशिप एंड आई गेट टू नो here are some French teachers as well. You can apply for just like, you know, as a teaching staff or professor, associate professors as well. And this is a spot for the graduate students. Everywhere the university has been divided with such boards. We are graduated. Like this, graduates. Yeh hai meri kahani, aur yeh hai meri university. किस तरह का रिसर्च होता है वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा, क्योंकि ये जो लेबॉरेटरी है चाइना के अंदर नंबर वन रिसर्च काम कर, स्पेशली टी को लेकर, तो आए वो मैं अपना लैब है वो भी दिखाता हूँ। लेट्स गो। थैंक यू फॉर काइंड नोटिस। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी लेबॉरेटरी में, और ये यहाँ पे कोई स्पेशल इवेंट हो रहा है रिगार्डिंग द इक्विपमेंट। एंड दिस इज माय फेवरेट स्पॉट जहाँ पे मैं सम टाइम्स बोर हो गया लैब में तो आके यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ। और यहाँ से अभी भी इस तरह का नीचे पार्किंग एरिया, और ये है From the front, that's my lab. We have to go. अच्छा, और ये यूनिवर्सिटी जो है हमारी, इनका कोलैबोरेशन है इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ, US के जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेशन, स्पेसिफिकली टी हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर ये लोग काम करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स मोस्ट पॉपुलर इन द चाइना, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द
टी रिसर्च। और इसी तरह हम लोग वापस आ गए लैब को देखने के बाद। नाउ वी आर जस्ट टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल एरिया। और ये है लाइब्रेरी है चाइनीज डॉर्मेट्रीज एंड दिस इज द जिमनेजियम शिखे दल भी बनी अपा। स्पोर्ट्स एरिया जहाँ पे आप खेल सकते हो, स्पेशली चाइनीज लाइक टू प्ले बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल। और इस साइड पर भी सारी डॉर्मेट्रीज हैं वेयर जस्ट चाइनीज स्टूडेंट्स यूज्ड टू लिव। और माय राइट साइड दीज आर जी एंड बत्तख वगैरह। और दैट्स इंजीनियरिंग स्कूल, सिविल इंजीनियरिंग एंड ऑल आई थिंक एवरीथिंग इज सी। ये निकालेंगे ना उधर। एंड दैट्स टी स्कूल ऑफ साइंसेस एंड दिस इज द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। देयर आर सम ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स ओवर हियर, सम स्पेशल स्टोन्स और आर्ट्स एंड म्यूजिक का स्कूल भी उस साइड पे है। जो इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट अगेन इट्स चाइनीज डॉट प्रोग्राम। और घूमते घूमते हम लोग पहुँच गए इंटरनेशनल स्कूल ऑफिस के सामने। और ये जो गार्डन है बहुत ही प्यारे इन लोगों ने बनाया है। और यहाँ पर मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर बैठ के इतनी तैयारी कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन वगैरह यहाँ पर करते हैं। I'm gonna show you that statue, and in previous videos I have just shown you this statue. I think he's the father of Chinese medicine. That's the building, School of International Education ka jab how bhi jo bhi mamlaat hote hain hamare international students ke yahan pe deal out hote hain। aur डीएम और जितने भी स्टाफ वगैरह यहाँ से आपके एडमिशन तमाम प्रोसेस होते हैं। सो जब भी आप उधर अप्लाई करेंगे तो पहले फॉर्म्स वगैरह इधर आएंगे, इवेलुएशन इधर पीछे होगी इस ऑफिस में, देन यू कैन गेट एडमिशन ओवर हियर। सो जो मैं बात कर रहा था स्टेचू वो ये हैं हमारे चाइनीज़ मेडिसिन के दादा। और ही इज़ द मोस्ट फेमस इन द चाइना एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ही जस्ट मेड सम मेडिसिन एंड साइड डाइट की जितने हर्बल चीज़ें हैं उनसे हम लोग जितने भी डिजीज़ वगैरह होते हैं उनको ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। एंड जस्ट ही मेड डाइट इसीलिए यह फेमस है। और ऑलमोस्ट जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर इनका स्टेचू बनाया जाता है। बाकी सीन इस तरह है। एंड दैट वन इज़ द बिल्डिंग जहाँ पे हम लोग अपने क्लासेस वगैरह लेते हैं। और स्पेशली इनकी जो क्लास टाइमिंग्स होती हैं मैं आपको बताता चलूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइमिंग की क्लासेस होती हैं आफ्टर 4-5 o'clock। 7 o'clock स्टार्ट होती हैं अप टिल 10 o'clock इनकी क्लासेस लगती हैं। सो दैट्स इट। अच्छा, जो लोग इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं स्पेसिफिकली इसके अंदर चार जो डिपार्टमेंट्स हैं, टी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, फूड साइंसिस एंड बायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी समथिंग लाइक दिस, वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं। और बाकी जो इंजीनियरिंग साइड या सीएस कंप्यूटर साइंसेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर और पीएचडी, वो चाइनीज टॉट हैं। फॉर दैट यू हैव टू गेट द एचएसके फॉर फर्स्ट। सो सिंपल प्रोसीजर है, इनकी ईमेल एड्रेसेस वहाँ पर मैंशन होती है, साइड पर आप लोग चले जाएंगे और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को दे दूँगा।
तो आज की वीडियो में यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। आप लोग अप्लाई कर लें इस यूनिवर्सिटी में, आ जाए इस यूनिवर्सिटी को इन्जॉय करें, लाइफ स्टाइल चेक कर लें इनका, एंड देन यू कैन फर्दर, अगर आपको पसंद आती है तो यहाँ पे रहें, नहीं तो किसी और जगह पर शिफ्ट हो सकते। बट आई सेड इट्स ओके, दैट्स फाइन, अच्छा है यहाँ पे।